शहर में ऑटो चालकों की मनमानी को रोकने के लिए बनाए गए प्रीपेड ऑटो बुकिंग भारी अव्यवस्थाओं का शिकार है। सवारियों से किराए का भुगतान पहले ही ले लिया जाता है, बावजूद उसके सवारियों को भटकना पड़ता है। बीटीवी की टीम जब देर रात शहर में निकली तो पता चला कि सवारी जितना ऑटो रिक्शा वालों से परेशान है, उतने ही प्रीपेड बूथ वालों से भी। वक्त रात करीब 11:30 बजे दिल्ली से जयपुर पहुंचे डॉक्टर वीरेन बनर्जी और उनकी बुजुर्ग पत्नी सिंधी कैंप बस स्टैंड के बाहर प्रीपेड ऑटो बूथ पर झगड़ रहे थे। वजह थी उन्हें थमाई गई ज्यादा किराए की पर्ची। सिंधी कैंप से शास्त्री नगर के बनर्जी परिवार से 100 रुपए वसूले गए, जबकि इस रूट का किराया महज 60 रुपए है। इस वक्त हम सिंधी कैंप पर मौजूद है, जहां सवारियों का आना जाना हमेशा लगा रहता है। सवारियां मीटर से चलना चाहती है या नहीं चलना चाहती, ये हम उनसे जानते हैं। मैडम, आप मीटर से चलना चाहना पसंद करेंगे या प्रीपेड बूथ से, या फिर बिना मीटर के जाना पसंद करेंगे? आपका चलो दीदी, चलो प्रीपेड बूथ से आने का फायदा ये सही रेट होगा, तो वो लोग जो मानता है यहाँ विषय एक ही है, तो क्या प्रीपेड बूथ का क्या फायदा है? सॉरी, यहाँ का होगा तो ठीक, वो लोग को ठीक होगा, और जब बाहर का होगा तो वो लोग फायदा ये भी यहाँ भी लेता है, यहाँ भी लेता है। नहीं, मीटर नहीं, मीटर नहीं हो गया, जब प्रीपेड हम लोग बुक कर लिया हो गया मीटर से। कारण जो मीटर से एकदम फिक्स आएगा, अभी रात को ऑटो वाले क्या किराया लेंगे, क्यों नहीं चलना चाहते आप? प्रीपेड बूथ से कुछ फाइनल नहीं है अभी, बाहर क्या पर्ची काटे क्या क्या नहीं काटे क्या मालूम। मीटर से चलना चाहेंगे, मीटर से प्रीपेड होना चाहिए। प्रीपेड बूथ से नहीं चलना चाहेंगे? प्रीपेड बूथ से चला जाएंगे, पर प्रीपेड बूथ इतने इजीली अवेलेबल नहीं, वॉकिंग पे नहीं है, इसलिए बहुत परेशानी होती है, और आउटसाइडर्स को तो बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, क्योंकि अनजान शहर में किस तरीके से वसूल किया जाता है देखा जाता है कि नया कस्टमर है, तो उस हिसाब से अलग अलग तरीके से रेट वसूल किए जाए, क्योंकि हमें तो मालूम नहीं कि कौन सी जगह कितनी दूर है, उस हिसाब से वो अपनी मनमर्जी से रेट लेते हैं। मीटर या प्रीपेड बूथ? मीटर से ज़्यादा मैं प्रेफर करूँ। सिंधी कैंप और रेलवे स्टेशन से ऑटो करना किसी जंग को जीतने से कम नहीं है। यहाँ लगभग हर सवारी और ऑटो चालक के बीच किराए को लेकर तनातनी होना आम बात है। नियम अनुसार प्रीपेड बूथ पर पुलिसकर्मी तैनात होते हैं। प्रीपेड की पर्ची कटने के बाद सवारी को ऑटो में बैठाने तक की जिम्मेदारी उनके सिर होती है, लेकिन यहाँ तैनात पुलिसकर्मी को नियम की जानकारी ही नहीं। ऑटो करने का सबसे आसान तरीका होने के बावजूद प्रीपेड बूथ तक सवारियों को रोकने के लिए पुलिसकर्मी, ऑटो चालक और बूथ संचालक मिलकर काम करते हैं। सबसे पहले सुनिए बस स्टैंड के अंदर तैनात पुलिसकर्मियों का जवाब। इस वक्त हम खड़े हैं सिंधी कैंप बस स्टैंड पर और वक्त है रात को 11:30 पर। शहर के प्रीपेड बूथ पर सवारियां जो सिंधी कैंप बस स्टैंड से उतरती है वो सीधे यहां प्रीपेड बूथ पर आती है, उसके बाद उन्हें एक पर्ची दी जाती है, जिस पर्ची पर बकायदा अमाउंट जहां उसे जाना है उसका पहले से तय कर लिया जाता है, उसके बाद एक पुलिसकर्मी जो है वो उन्हें ऑटो तक पहुंचाता है। जयपुर के हालात क्या है वो हम जानते हैं, यहां हमारे साथ पुलिसकर्मी मौजूद है उनसे। सर, प्रीपेड बूथ जो है उसका किस तरह से पूरा मैकेनिज्म है, किस तरह से चलता है, अगर कोई आदमी आता है तो उसे क्या पूरा प्रोसेस अपनाना पड़ता है? आदमी आता है तो प्रीपेड पर आ जाता है और उसका भुगतान निश्चित पैसे होते हैं, निश्चित रुपये होते हैं, और वो यहाँ पर्ची कटा करके ऑटो को अपने प्रीपेड पे बुला लिया जाता है और उसको रवाना कर दिया जाता है उसको। हमसे ये पूछते हैं सांगाड़ जाना है या जोटवाड़ जाना है, तो हम कहते हैं भाई गवर्नमेंट का प्रीपेड है, आप प्रीपेड में जाइए, गवर्नमेंट रेट पे आपको ऑटो मिलेगा, हम तो ये करते हैं। उसके बाद प्रीपेड में जाती है नहीं जाती है? कई सवारियाँ जाती है, कई मनमरी चली जाती है। वहीं बूथ संचालक का इस संबंध में कहना है कि सवारियां मीटर से चलना पसंद करती है, न कि प्रीपेड बूथ के जरिए। यहाँ हमारे साथ में बूथ संचालक भी मौजूद है, हम उनसे जानते हैं कि किस तरह की परेशानियां ऑटो चालकों को यहाँ पर आती है, बूथ संचालकों को आती है, और साथ ही जो पुलिसकर्मी यहाँ तैनात है उनको आती है, क्या परेशानी सवारियों को आती है? सर, आप ही बताएंगे किस तरह की परेशानियां
परेशानी ये आती है कि सब में पहले तो पैसेंजर ये बोलता है बोले यहाँ पे लूट है, पैसेंजर ये बोलता है बोले यहाँ पे ज्यादा है, ये मीटर से नहीं जाता है, ऑटो वाला ये बोलता है मीटर से चलने को तैयार है तो पैसेंजर बोलता ही नहीं, ये बोलता है आप तो तय कर लो, प्रीपेड वाले तो चोर है यूँ बोलते हैं क्लियर। कि जैसे ये रीडिंग है 3 रुपए से चालू है, फिर उसकी लिस्ट दिखाओ, लिस्ट में जैसे नाइट में 25% जोड़ो तो सवारी भी उसमें चक्कर में पड़ जाती है थोड़ा सा, तो इसमें या तो डायरेक्ट वो हो। ऐसे में सवारी को मजबूरन ऑटो चालक से भाव ताव करना पड़ता है और यहीं से शुरू होता है असली खेल। धानी के ऑटो चालक जिनका ये कहना है कि सवारियां खुद मीटर से नहीं चलना चाहती, वो यदि सवारियों को कहते भी हैं बावजूद इसके सवारियां तय करके चलना चाहती है। साथ ही इन्होंने दूसरा सवाल नए परमिट पर खड़ा किया है। ऑटो चालकों की माने तो नया परमिट देने से पहले उन ऑटो चालकों को परमिट दिया जाना चाहिए जो अपना ऑटो खरीद चुके हैं और उन्हें 50,000 रुपए इसके लिए परमिट के लिए दिए जाने पड़ रहे हैं, जिसके चलते कई बार उन्हें अपना घर चलाने के लिए 2-4 करनी पड़ती है। कैमरा पर्सन रूपेश शर्मा के साथ सुदर्शन शेखावत, बीटीवी न्यूज जयपुर। प्रीपेड बूथ सिस्टम की तस्वीर रात के आगोश में कितनी स्याह हो जाती है ये देखा आपने। गुरुवार के हमारे प्राइम बुलेटिन में दिखाएंगे कि स्कूल ट्रांसपोर्टेशन में ये ऑटो रिक्शा किस कदर जोंक बनकर पेरेंट्स की गाड़ी कमाई चूस रहे हैं। अभी के लिए बस इतना ही।